लैब असिस्टेंट का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, यहाँ आप देख सकते हो 16/3/2022 को जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो और आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 25 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो इसमें आपको कंप्लीट में डिटेल बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको आवेदन करना है और किस किन पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हो और आपको क्या क्या सावधानी आपको जो आवेदन करते टाइम रखनी है। तो कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा, हर एक स्टेप या हर एक जानकारी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती 2022 के बारे में, तो यहाँ पे आपको जो है इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पदों का विवरण देखने को मिल जाएगा। इसमें टोटल 7 पदों पे जो है वैकेंसीज निकली है। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन हो इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जो है डाउनलोड कर सकते हो, तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहाँ से विजिट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो आपको गैर अनुसूचित और अनुसूचित क्षेत्र यानी कि TSP क्षेत्र के जो पदों का विवरण यहाँ पे आपको टोटल देखने को मिल जाएगा कि किस पदों के लिए कितनी वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो 1012 पदों के लिए जो टोटल वैकेंसीज रखी गई है। तो यहाँ पर आपको जो है अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आवेदन देखने को मिल जाएंगे, तो आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो उसके लिए आवेदन कर सकते हो। अब अगर हम बात करें कि प्रयोगशाला सहायक विज्ञान में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, तो यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे। तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि आपको कहाँ से चेक करना है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ये पद कोड फर्स्ट के लिए। अगर बात करें प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के लिए, तो यहाँ पे आपको जो है सीनियर सेकेंडरी में सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान या भौतिक विज्ञान या फिर रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, अगर आपके यह सब्जेक्ट रहे और साथ में आपको देवनागरी लिपि में हिंदी कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान हो, तो आप जो है फर्स्ट कोड यानी कि आप जो है इसके लिए एलिजिबल हो। तो मैं आपको फर्स्ट कोड बता दे रहा हूँ किसके लिए आप एलिजिबल हो। तो यहाँ पे आपको जो है फर्स्ट कोड प्रयोगशाला विज्ञान के लिए आप एलिजिबल हो। अगर हम सेकेंड जो पद की बात करें तो इसके लिए अगर आपकी एलिजिबिलिटी हम चेक करें तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो है क्वालिफिकेशन डिटेल देखने को मिल जाती है सेकेंड पद के लिए। तो यहाँ पे आपको जो है किसी भी मान्यता बोर्ड से विज्ञान विषय में सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा या फिर देवनागरी लिपि का ज्ञान या फिर राजस्थान का सामान्य ज्ञान। तो अगर आपके पास में ये क्वालिफिकेशन है, आपको इन चीज़ों में डिग्री प्राप्त कर रखी है, तो आप इसके लिए जो है अलग अलग पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हो। तो कंप्लीट जो है नोटिफिकेशन आपको एक बार अच्छे से रीड करना है, आपको कंप्लीट हर एक जो जानकारी इसमें से आपको मिल जाएगी। अब अगर हम बात करें कि इसके ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करने हैं, तो यहाँ पे इसमें ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस दे रखा है। आप SSO ID के माध्यम से जब भी इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे यानी कि 25 तारीख से, तो आप अपने SSO MY ID या फिर ई-मित्र के माध्यम से जो है इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। आपको जो है SSO ID में रिक्वायरमेंट पोर्टल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसमें आपको जो है इसका ऑनलाइन अप्लाई लिंक देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। जैसे इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं उसका वीडियो भी अपलोड कर लूँगा, तो आप डायरेक्ट वहाँ से विजिट कर सकते हो, उसको देख के आप अपना जो फॉर्म फिलअप अपने मोबाइल में भी कर सकते हो। आपको किसी प्रकार का अदर कोई शुल्क देना नहीं पड़ेगा अगर आप मोबाइल में भी इसका फॉर्म फिलअप करते हो। तो यहाँ पे कंप्लीट आपको एक बार इसको अच्छे से रीड करना है। आपको जो है किसी भी ऑनलाइन भर्ती का आवेदन करने से पहले उसका नोटिफिकेशन एक बार अच्छे से चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको जो भी डाउट हो वो आपका नोटिफिकेशन में क्लियर हो जाता है। तो इसमें आपको कंप्लीट डिटेल देखने को मिल जाएगी। अब अगर हम बात करें कि इसमें जो आवेदन शुल्क कितना है, तो यहाँ पर अगर हम जनरल वालों की बात करें तो यहाँ पर 450 इसकी फ़ीस रखी गई है, और अगर हम बात करें MBC या नॉन क्रिमिनल्स की तो इनकी जो फीस है वो 350 रखी गई है, और यहाँ पे ST SC की बात करें तो यहाँ पे जिनकी जो फीस है वो 250 रुपये यहाँ पर रखी गई। तो इस प्रकार से जो आपको फीस का विवरण देखने को मिल जाता है। अब हम उसके बारे में पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए जो है इसकी जो शैक्षणिक योग्यता रखी गई थी, यहाँ पे आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना। आपके जो भी सब्जेक्ट रहा 12th में, तो उसके माध्यम से आप या उन सब्जेक्टों के अकॉर्डिंग आप पद कोड सेलेक्ट कर पाएंगे, तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। अब उसके बाद में एज की बात करते हैं, यहाँ पे आपको एज वाला जो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको इसको भी एक बार रीड कर लेना है। अब उसके बाद में हम बात करें कि इसके जो ऑनलाइन आवेदन वो कब से स्टार्ट होंगे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे 25/3/2022 से जो इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 23/4/2022 यानी कि 25 मार्च से और 23 अप्रैल तक इसके जो ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। तो आपको जो है SSO ID के माध्यम से इसके ऑनलाइन आवेदन कर देना। और अगर हम इसकी परीक्षा की बात करें तो परीक्षा की डेट भी इसमें नोटिफिकेशन में दे रखी है, तो यहाँ पे 28 और 29 जून को जो इसकी ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अब उसके बाद में हम बात करें कि आवेदन किस प्रकार से करना है, तो आपको आवेदन करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट गलती करते हैं वो फोटो और सिग्नेचर में करते थे, यहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर का जो इंटरेक्शन वो देखने को मिल जाएगा कि आपको किस प्रकार से जो फोटो अपलोड करना है। तो फोटो की अगर हम बात करें तो फोटो आपका जो है 6 महीने से पुराना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और फोटो की जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट कलर में आपका होना चाहिए।
तो फोटो का प्रीव्यू आप यहाँ पे इस प्रकार से देख सकते हो कि इस प्रकार से जो आपको फोटो का प्रीव्यू रखना है, तो इस प्रकार से जो आपको कंप्यूटर में अगर आप स्कैन करके अपलोड करते हो तो आपको जो है इस प्रकार से जो सेम इस प्रीव्यू को आधार पे आपको फोटो अपलोड करना है। तो यहाँ पे आपको फोटो की जो साइज है वो 100 KB या 50 KB के बीच में आपको रखनी है, तो इस प्रकार से जो आपको देखने को मिल जाएगी। और इसकी जो साइज की अगर हम बात करें तो 3.5 या 4.5 MB का आपको जो है अपलोड कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। अगर आप फोटो क्लियर अपलोड नहीं करते हो तो आपका जो फॉर्म वो रिजेक्ट कर दिया जाता है और उसके जो जिम्मेदार आप स्वयं रहते हो, तो इस प्रकार से जो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर हम हस्ताक्षर की बात करें तो आपको हस्ताक्षर की जो साइज वो 7 सेमी से 2 सेमी के बीच में रखनी है, और ब्लैक या नीले पेन से भी आप हस्ताक्षर कर सकते हो, तो इसमें यह नोटिफिकेशन में दे रखा है, तो इस प्रकार से आपको यह देखने को मिल जाएगा। और सिग्नेचर की जो साइज वो 20 KB से 50 KB के बीच में आपको रखनी है, तो इस प्रकार से जो आपको यह डिटेल देखने को मिल जाएगी। और इस प्रकार से जो आपको ये जो नोटिफिकेशन एक बार रीड कर लेना। और अगर आपके जो ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार कोई गलती रह जाती है, किसी प्रकार कोई संशोधन करना चाहते हैं, तो आपको जो है ऑनलाइन आवेदन के बारे में 7 दिन का टाइम दिया जाएगा, उसमें आप 300 रुपये का जो चालान या 300 रुपये पे करके आप जो अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकते हो। और हाँ, अगर आप ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करना चाहते हो तो आप अपना नाम, माता का नाम और पिता के नाम में किसी प्रकार कोई संशोधन नहीं कर सकते हो, यह इसमें साफ क्लियरली दे रखा है। आप और डिटेल में जो संशोधन कर सकते हो, लेकिन आप अपने नाम, अपनी माता के नाम और अपने फादर्स के नाम में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकते, तो इस प्रकार से जो आपको कंप्लीट डिटेल देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार से जो फ्रेंड्स आपको जो लैब असिस्टेंट के लिए आवेदन करना है, इसके जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे जैसे ही, तो उसका वीडियो मैं इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, मैं सजल मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेट टेक केयर, बाय बाय।